नज़ीर लगारी साहब की जानिब चलती हूँ। लगारी साहब, ये जो इलेक्शन अब होने जा रहा है 2024 का, इसमें बिलावल साहब तो बार बार कह रहे हैं कि भाई बस अब तीर और शेर का मुकाबला होने जा रहा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बिल्कुल माइनस कर दिया कि ये अब इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि ऐसा ही है कि सिर्फ ये दो पार्टीज़ रह चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं बहुत पीछे चली गई बल्ला छिनने के बाद, और अब उस इलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं होगा? जो चीज़ें आज कही हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई ने, अगर ये बातें 2 साल पहले 1.5 साल पहले कहते तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। वो मैदान में होते और मैदान में रहते हुए वो भी एक फरीक के तौर पर हिस्सा ले रहे होते। ये तकलीफ दह सूरत हाल है कि वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थे, वो किसी सियासी मुखालिफ से बात करने को तैयार नहीं थे, किसी पार्टी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। वो आखिर वक्त तक भी यही कहते रहे, यहाँ तक चले गए थे कि जनाब मैं आर्मी चीफ को ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच्चाई से बात नहीं करूँगा। उनने कहा था ना ये कि मैं बाजवा साहब को ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फलां को बनाना चाहता हूँ आर्मी चीफ, और फलां को तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक वो चले गए थे। तो बात यह है कि उन्होंने ये बातें बहुत गलत वक्त पर की थी। उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी, वो कहते कि जनाब हम सियासदानों से मिलकर मामला तय करेंगे, हम बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मेज़ पर आएंगे, हम सारे सियासी इख्तलाफात को रखते हुए हम मेज़ पर बैठकर बात करेंगे। उन्होंने अपने लिए मैदान को छोड़ने का एक तरफ ये कि वो मार्च में, अप्रैल में या उससे पहले, बल्कि इक्तदार से हटने से पहले मार्च में ये कह रहे थे ना कि मैं ताहयात आर्मी चीफ बनाने को तैयार हूँ, और मई में जाकर उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। सियासी जो मुखालफीन थे वो हम मांगे में आ गए, ये आइसोलेशन में चले गए। पीपल्स पार्टी और PMLN एक साथ हो गई, इक्तदार में शरीक थी, अब दोनों अलग हो गई हैं, दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक ने प्रोग्राम दे दिया है, दूसरे का प्रोग्राम आने वाला है। हम चाहते हैं कि सियासी फिजा में आप तनकीद करें एक दूसरे के ऊपर, लेकिन आप गंद ना उछालें, एक दूसरे के ऊपर ऐसी खराबी ना पैदा करें कि जनाब लगते हैं कि सियासी माहौल ही ऐसा हो गया है कि इसके अंदर तो सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं किसी सियासी जमात का। ये सूरत हाल अब भी अगर ये लॉजिक प्रवेल करे, अब भी अगर इमरान खान जो कह रहे हैं, आज जो उन्होंने कहा है, अगर इस बात को सच के नियत से ये शुरू करें कि डायलॉग का प्रोसेस सियासी लोगों से करें, PMLN से करें, पीपल्स पार्टी से करें, JUI से करें, और जिन लोगों को वो गालियां देते रहे उन लोगों के साथ जाएं, बात करें, सियासी लोगों से ही मसाइल निकलेंगे। भुट्टो साहब की फांसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो ने जाकर मुज़ाकरात में शिरकत की थी उन लोगों के साथ जो जनरल जो जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के वक्त इक्तदार में थी, जनरल ज़िया की काबीना में बैठे हुए थे, जो लोग उन लोगों के साथ मुज़ाकरात की। ये मामूली बात नहीं थी कि आप JUI के साथ मुज़ाकरात में गए, चूँकि मुफ्ती महमूद साहब के वज़रा काबीना में शामिल थे, नवाबजद नसरुल्लाह खान के वज़रा काबीना में शामिल थे, फिर भी उन्होंने जाकर उनको साथ मिलाया, और फिर वैसा ही उन्होंने MRD की तश्कील की और एक बड़ी पार्टी, बड़ा ग्रुप बना जिसने एक बेमिसाल तहरीक चलाई थी जनरल ज़िया के मार्शल के दौरान में। तो वो हुआ है, सियासी लोग सियासी अमल करते हैं, ये जो भी हो रहा है, चाहे वो मोहतरमा मरियम नवाज कर रही हूँ या वो आसिफ या बिलावल भुट्टो जरदारी करूँ, सियासी अमल है। आप सियासी अमल में आप मुखालफिन पर तनकीद करते हैं, आप एक पार्टी नहीं है, दोनों एक पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, PMLN अलग जमात है, और ये अलग अलग हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ाहिर तनकीद भी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये बात भी हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।